गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सब कोई ठीक ही होंगे। हम सब भी ठीक है और हमारे यहाँ तो बरसात ज़ोरों से स्टार्ट हो गया है। कल रात से बरसात हो रही है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और देखिए बाहर अभी भी बरसात हो रही है। मैं जब उठी थी 5:20 बज रहे थे और तब ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पर अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। तो आज भी बेटू को स्कूल लेकर जाना है तो मैं बस सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और कम हो जाए बारिश तो अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ब्लॉग, आप साथ रहिए। तो अभी टाइम है बेड क्लीन करने का। बेडरूम मैं पहले समेट लेती हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ना बेड या फिर बेडरूम को ऐसे ही छोड़ के जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बेड को भी आदत है कि स्कूल जाने से पहले सारा रूम और बेड क्लीन हो जाता है, तो अभी मैं जस्ट वही कर रही हूँ। और इसके बाद मैं बेटू का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँगी। तो जैसा मैं बोलती हूँ कि वो हमेशा दूध कॉम्प्लेक्स खा के जाता है और दूध कॉम्प्लेक्स जल्दी से ख़त्म भी कर पाता है और मुझे भी शांति रहता है कि थोड़ा सा कुछ तो खा के गया बच्चा। तो आज टिफिन में भी उसके लिए है उत्पम, वेजिटेबल वाला उत्पम मैंने बना दिया है। ये बनाने में भी ईजी है और खाने में भी ईजी है। उन लोगों को बस 15 मिनट्स ही मिलते हैं अपना टिफिन ख़त्म करने को, तो ये ईजीली ख़त्म हो जाता है। अभी टाइम है बेटू को तैयार करने का। तो बेटू अपना सारा कुछ तो कर ही लेता है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, पर टाई वो नहीं बांध पाता है खुद से अभी भी, तो वो बस मैं करके देती हूँ, टाई बांध देती हूँ। तो अभी बेटू को छोड़ने के बाद मॉर्निंग वॉक करके मैं अभी जा रही हूँ घर। और देखिए अभी जस्ट सूरज निकला है और आज का मौसम ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हवा चल रहा है। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं अभी बहुत देर बाद मिल रही हूँ। जो लास्ट क्लिप आपने देखा है वो सुबह के 7:30 बजे का था और अभी लगभग 11:30 बजने चला है और मेरा बहुत सारा काम हो गया है। मैं जब लौट के आई, बेटू को छोड़ के आई, फिर उसके बाद ना बहुत सारा काम रहता है तो तब मैं कुछ और वीडियो शूट नहीं कर पाई। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा मुझे हल्का महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा नहा कर पूजा करना वगैरह हो गया है और लंच भी मैंने चढ़ा दिया है, तो मैं ना बहुत टेंशन में रहती हूँ और ये टेंशन शायद सारे लेडीज को होते हैं। और ये ना नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि तीनों टाइम खाने पे क्या बनाना है। तो आज भी वही प्रॉब्लम था क्योंकि कल था मंडे और श्रावण में मंडे हम लोग मानते हैं, ऐसे नॉनवेज खाते हैं, मंडे को हम लोग नॉनवेज खाते हैं, पर श्रावण है चल रहा है तो इसीलिए अभी हम लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। बहुत लोग तो होते कि पूरे श्रावण महीना नहीं खाते हैं नॉनवेज, तो हम लोग सिर्फ मंडे मान रहे हैं और ट्यूसडे हम लोग ऑल टाइम मानते हैं, ट्यूसडे कभी भी हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो आज है ट्यूसडे तो बेटू को अब टेंशन हो गया। कल तो मम्मा मैंने पोस्तो भी खा लिया है, आलू सोयाबीन भी खा लिया, आज तो नहीं खाने वाला हूँ। तो आज कुछ क्या बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो सुबह से बहुत सोचते सोचते मैंने कुछ निकाला है, पता नहीं उसको पसंद आएगा कि नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया ना कि कल से दाल मैं क्या करती हूँ ना एक साथ बना के रख देती हूँ 2 दिन क्या कम से कम, क्योंकि सिर्फ बेटू ही खाता है अच्छे से दाल, मुझे भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इतना थोड़ा सा दाल नहीं बनता है तो 2 दिन का बन ही जाता है। तो दाल बना हुआ है, थोड़ा सा आलू फ्राई बना दूंगी और एक सब्जी मैं बना रही हूँ जो आपको दिखाती हूँ अभी। तो देखिए ये है बेसन, तो जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना हम लोग वैसे बना के फिर इसको सब्जी बनाना है। तो अभी मैं पकौड़ा भी एक तरफ बना रही हूँ और दूसरी तरफ देखिए मेरा
उत्पम बन रहा है, ये मेरा नाश्ता है। बेटी को आज टिफिन में मैंने उत्पम ही दिया है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी वही खा लेती हूँ। और यहाँ देखिए मेरा राइस चढ़ चुका है, तो बहुत सारा काम हो चुका है मेरा। और यहाँ पे मेरा दाल बना हुआ है जो मैंने निकाल के रखा है, बस माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी। ये जो सब्जी है ना, मैं थोड़ा सा सरसों डाल के बनाऊँगी, जैसे मछली का सरसों बनता है ना, उस टाइप का मैं बनाऊँगी। तो ये शायद मेरा बेटू फर्स्ट टाइम खाने वाला है, मैं तो बचपन से खा रही हूँ, मुझे पता है कैसा टेस्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा करके टमाटर डालना पड़ता है, पर मेरी सासू माँ जब थी ना तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का बनता था, वो आलू डाल के और थोड़ा सा अदरक और जीरा डाल के बनता था, वो भी बहुत टेस्टी बनता था और मेरी सासू माँ बहुत अच्छा खाना पकाती थी। तो चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सरसों नहीं पीसा है और लाइट चला गया तो मैं तो फंस गई। तो मैं पहले सरसों पीस लेती हूँ। ये रहा सरसों, और इसी के साथ मैं डालूंगी 2 पीस टमाटर, इससे ना सरसों अच्छा पेस्ट बनता है। तो ये बन गया मेरा पेस्ट अच्छे से। तो चलिए इधर मेरा उत्पम भी तैयार है, तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने आलू पहले से काट के रख लिया है, बस बेटू आने के बाद गर्मा गर्म फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर ये वाला सब्जी उसको पसंद नहीं आया तो आलू फ्राई के साथ वो खा लेगा आराम से। तो चलिए ये बनाते बनाते मैं अपना नाश्ता ख़त्म करती हूँ। तो देखिए पकोड़ा छानने के बाद थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, तो मैं इसमें और तेल ऐड नहीं करूँगी, इतना काफ़ी है। और मैं अब डाल दूँगी एकदम थोड़ा सा 5 फोड़न। और यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा प्याज और टमाटर को चॉप कर लिया है, बट बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है, तो अब मैं इसको ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरी मिर्च, जो कि गोटा डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा होने से बेटू नहीं खा पाएगा, तो मुझे तो तीखा चाहिए, तो मैंने इसे इसलिए एकदम साबुत डाल दिया है ताकि मैं इसे खा लूँ और बेटू को तीखा भी ना लगे। और अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो अभी देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, और इस फ्लेम को मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जो मैंने टमाटर और सरसों का पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर दूंगी। इसको ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जो सरसों का पेस्ट है ये कड़वा हो जाता है। तो अब मैं इसमें बस थोड़ा सा और पानी मिक्स कर दूंगी ताकि ये अच्छे से उबल सके। तो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने पानी डाल दिया है, तो अब मैं सारे पकौड़ों को ऐड कर दूंगी ताकि इसमें उबल के इसके अंदर तक नरम हो जाए। तो देखिए अब इसको अच्छे से उबलने देते हैं, बस 2-4 उबाल आ जाए बस ये तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसका गैस मैं बढ़ा रही हूँ। ये तो तैयार है, पता नहीं बेटू को कैसा लगेगा। सो लंच तो तैयार हो चुका है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ बेटू को लाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ बेटू आने के बाद। लंच वगैरह सब कुछ हो गया है और बेटू खाना खा के सो भी गया है, और बेटू को थोड़ा बहुत वो सब्जी अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगा। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा किया था कि थोड़ा सा आलू फ्राई मैंने रखा था साथ में, तो खाना खा लिया है, पर बहुत अच्छे से नहीं खाया क्योंकि उसके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्योंकि आज देखिए बाहर धूप, एक बार कितना तेज़ धूप है।
तो ऐसे घर में रूम में तो गर्मी इतना है नहीं, पर बाहर बहुत तेज़ गर्मी था, तो उसको थोड़ा सा गर्मी की वजह से सर में दर्द होने लगा। तो मैंने बोला कि खाना खा लिया है, अब जाके थोड़ा सा सो जाओ। पर मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ मासी के आने का। मासी आएंगी, वो काम करके जाएंगी, उसके बाद मैं जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो बेटू तो सो गया है, देखती हूँ मासी कब तक आती है। मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ, अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में क्या बन रहा है? इडली बन रहा है और बेटू मेरा कर रहा है स्टडी, है ना बेटा? हो गया ना स्टडी? हाँ, अब बस होने को ही है स्टडी और हम लोग बस डिनर करेंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाने से पहले डू लाइक शेयर एंड कमेंट। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 बाय।